नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। मेरठ में अंग्रेजों के जमाने का बना नहर का पुल टूटा, कई गांवों का संपर्क कटा। मेरठ में सलावा गंग नहर की झाल के पास छोटी नहर पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल टूट गया है। पुल गिरने से डस्ट से भरा ट्रक उसमें धंस गया है। पुल टूटने से आसपास के दर्जनों गांव का संपर्क भी कट गया है। मौके पर पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे। लोगों ने अधिकारियों से पुल का निर्माण कराने की मांग की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहरों पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुल अब टूटने लगे हैं। अपर गंग नहर में कई स्थानों पर पुराने पुलों की जगह नए पुलों का निर्माण हो रहा है। शनिवार को सरदना थाना क्षेत्र में अपर गंग नहर सलावा झाल के पास छोटी नगर पर बना पुल गिर गया है। पुल गिरने से वहां से गुजर रहा डस्ट से भरा 10 टायर ट्रक उसमें फंस गया है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पुल गिरने की खबर फैलते ही वहां पर लोगों का तांता लग गया है। तत्काल ही पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। इस पुल के टूटने से ठाकुर चौबीसी क्षेत्र के सलावा, जमालपुर, कुसावली, ज्वालागढ़, खेड़ा, अखेपुर आदि दर्जनों गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। जिस नहर का पुल टूटा है उसका पानी सलावा पावर हाउस में जाता है। सरदना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने मामले की जानकारी ली है। विधायक ने सोशल मीडिया पर टूटे पुल के फोटो और दोस्तों वीडियो अपलोड की है। मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी और PWD अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पुल टूटने की खबर उत्तर प्रदेश